हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं दिलीप चित्रे द्वारा लिखी पोएम द फेलिंग ऑफ द बनियन ट्री को हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दिलीप चित्रे जी ने मराठी और इंग्लिश भाषाओं में साहित्य लिखा है इसलिए उन्हें बाय पोएट कहा जाता है ट्रैवलिंग इन केज ये उनका काव्य संग्रह है द फेलिंग ऑफ द बनियन ट्री ये कविता ट्रैवलिंग इन अ केज इस काव्य संग्रह से ली गई है ट्रैवलिंग इन अ केज यह काव्य संग्रह 1980 में प्रकाशित हुआ है इसके अलावा दिलीप चित्रे जी ने शॉर्ट स्टोरीज और क्रिटिकल एसेज भी लिखे हैं। अब हम इस कविता को हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं माई फादर टोल्ड दू मेरे पिता ने किराएदारों को चले जाने को कहा ल्यूड ऑन द हाउसेस सराउंडिंग अवर हाउस ऑन द हिल जो पहाड़ी पर हमारे घर के आसपास के घरों में रहते थे वन बाय वन द स्ट्रक्चर्स वेर डिमोलिश्ड एक एक-एक करके सारे ढांचे उद्वस्त या नष्ट कर दिए गए थे ओनली आवर ओन हाउस रिमेंड एंड द ट्रीज केवल हमारा अपना घर और पेड़ ही बचे थे टेनेंट्स का मतलब है किरायादार हिल का मतलब है पहाड़ डिमोलिश का मतलब है उद्वस्त या नष्ट करना ट्रीज आर सेक्रेड माई ग्रैंड मदर यूज टू से मेरी दादी कहा करती थी कि पेड़ पवित्र है सेक्रेड का मतलब है पवित्र फेलिंग देम इज क्राइम उन्हें काटना अपराध है बट ही मासे कर्ड देम ऑल लेकिन मेरे पिता ने उन सबको काट दिया द श्यवगा द ओडम्बर द निम वेर ऑल कट डाउन श्यवगा ओडुम्बर निम सभी को काट दिए गए मासे कर्ट का मतलब है नरसंहार किया या उन सब को काट दिया बट द ह्यूज बनियन ट्रीज टूट लाइक अ प्रॉब्लम लेकिन विशाल बनियन का पेड़ समस्या बनकर खड़ा था हुज रूट्स ले डीपर दैन ऑल अवर लाइव जिसकी जड़ें हम सभी के जीवन से कहीं अधिक गहरे हैं माई फादर ऑर्डर्ड इट टू बी रिमूवड मेरे पिता ने इसे हटाने का आदेश दिया द दनियन ट्री वॉज थ्री टाइम्स एज टॉल एज अवर हाउस बनियन का पेड़ हमारे घर से तीन गुना ऊंचा था इट्स ट्रंक हैड अ सर्कम फेरेंस ऑफ फिफ्टी फिट उसके जो ट्रंक की परिधि पचास फुट थी इट्स सैक्रीगली एरियल रूट्स फेल टू द ग्राउंड उसके अन एरियल रूट्स एरियल जड़े जमीन पर गिर गई From थर्टी फीट or मोर सो फर्स्ट दे कट द branches. तीस फीट या उससे अधिक ऊंचाई से सबसे पहले वे डालिया काटते हैं ब्रांचेस का मतलब डाली सेविंग देम ऑफ फॉर सेवन डेज एंड द हिप वॉज ह्यूज सात दिनों तक उन्हें काटते रहे और ढेर बहुत बड़ा हो गया इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स बिगेन टू लीव द ट्री कीड़े मकोड़े और पक्षी पेड़ छोड़कर जाने लगे एंड देन दे केम टू इट्स मैस्यू ट्रंक और फिर वे उसके विशाल ट्रंक के पास आए फिफ्टी मैन विथ एक्सेस चोपड़ एंड चोपड़ पचास आदमियों ने कुल्हाड़ियों से उसे टुकड़े में काट दिया पचास आदमी ने कुल्हाड़ी से उसे टुकड़ों में काट दिया द ग्रेट ट्री रिविल्ड इट्स रिंग्स ऑफ टू हंड्रेड उस विशाल वृक्ष ने दो सौ वर्ष पुराने अपने छल्ले प्रकट किए वी वॉच द इंटेरियर एंड फैसिनेशन दिस स्लॉटर हमने भया और आकर्षण से इस हत्या को देखा

जो किसी के सपनों में उगता और उबलता है इट्स एरियल रूट्स लुकिंग फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक उसके एरियल जड़े ज़मीन तलाश रहे हैं। इसके एरियल जड़े ज़मीन तलाश रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो